स्टेज नेम जो मेरा वो है रैप आईडी, उसके पीछे भी एक कहानी है, छोटी सी कहानी है बताएंगे। तो मैं सोलन से बिलोंग करता हूँ और मैं MTV हसल 03 रिप्रेजेंट मैं अभी गया था और सेमीफाइनल तक वहाँ पहुँचा हूँ। वहाँ से वापस आया तो हमारा एक प्लान था कि एक सोलन में, और नॉट जस्ट सोलन में, हिमाचल में बेसिकली अपना जो लोकल ऑडियंस है उन तक ये चीज़ पहुँचाए कि एक नेशनल TV पे का एक्सपीरियंस क्या है, ताकि जो भी अपने और आर्टिस्ट है जो काम स्टार्ट कर रहे हैं या फिर ये चीज़ जीना चाहते हैं, देखना चाहते हैं यहाँ तक जाना, उनके लिए भी एक एक्सपीरियंस हो और वो देखे कि क्या चीज़ें कर सकते हैं, किस तरह से जा सकते हैं। पिछले कितने लंबे अरसे से आप जो है बॉलीवुड में थे या बॉम्बे में थे? हाँ जी सर, बॉलीवुड में नहीं, बॉम्बे में मैं अभी जस्ट कुछ महीने पहले गया हूँ। उससे पहले मैं हिमाचल में ही रहा हूँ ज़्यादातर। हिमाचल के अलावा गुजरात में कुछ टाइम स्पेंड किया है, बिकॉज मैं साथ साथ जॉब भी करता था। उसके बाद में जब बॉम्बे गया तो अभी पिछले 4 महीने से वहाँ पे हूँ, क्योंकि MTV असल का ऑडिशन स्टार्ट हुआ था अराउंड सितंबर में, तो सितंबर के बाद से अगस्त में वहाँ को बुलाया गया था और उसके बाद से कंटिन्यूस वहीं पे था। तो पूरे 4 महीने बाद यहाँ घर वापसी हुई है, तो सबसे पहले तो पहाड़ देख के बहुत खुशी हो रही है। सर मैं बचपन से आर्ट से बहुत जुड़ा रहा हूँ, वो किसी भी फॉर्म में हो बेशक। तो जब मैंने रैप फर्स्ट टाइम सुना था तो मुझे एक चीज़ रियलाइज हुई कि रैप एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जहाँ पे आप अपनी बातें विदाउट फिल्टर बोल सकते हो, और वो बातें सोसाइटी की बातें भी होती है, बहुत ऐसी बातें जो आगे नहीं जाती। तो बेसिकली एक अनसुनी अनकही कहानियां जो है लोगों की, वो रिप्रेजेंट करने का मौका मिलता है रैप में। और मेरी बहुत सारी ऐसी बातें थी जो शायद अनकही रह गई, तो अगर रैप मेरी लाइफ में नहीं होता तो मैं वो बातें नहीं पहुंचा पाता आगे। तो इसलिए ये मेरे लिए एक्चुअल में रैप ने मेरे को एक अलग वॉइस दी है, तो इसलिए मैं रैप में घुसा और जब एक्सप्लोर किया ये आर्ट फॉर्म तो बहुत ही मतलब कनेक्ट हुआ इस चीज से, दैट्स व्हाई इसको मैंने आगे बढ़ाया और अभी कर रहा हूं। जो ये रैप है, आपको ऐसे नहीं लगता कि ये जो पोएट्री है जो हम कविताएं लिखते रहे हैं उसी का कोई एक आप जो है, क्योंकि अब 21वीं सदी के साथ जा रहे हैं, यंग जनरेशन कुछ और दौर में, तो वही चीज नहीं है कि जो हम कविताओं में कभी कुछ कहा करते थे और आज वो हम रैप के माध्यम से कह रहे हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल। इवन रैप की फुल फॉर्म जो बोलते हैं वो यही बोल जाती है, रिदम एंड पोएट्री। तो पोएट्री है एक रिदम के साथ, एक ताल बोला जाता है, तो वो है। बट जो रैप का जो इनिशियल फेज था जब स्टार्ट हुआ था, वो हुआ था कि जब सोसाइटी पे एक सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल, ब्लैक पीपल के अगेंस्ट बहुत सारी चीजें होती थी, ऑपरेशन जो भी होते थे, तो वो उसको उन्होंने अपनी सोसाइटी को रिप्रेजेंट करने के लिए ये चीज लाई कि हम अपनी आवाज उठाएं बेसिकली उस चीज को। और वहां से ये चीज हुई और एवोल्यूशन के साथ इतना ग्रो हो चुका है कि अब ये एक, अगर आपको पता होगा, ये वर्ल्ड का सबसे फेमस जॉनरा बन चुका है जो कि हिप हॉप। तो इसी वजह से, क्योंकि मे बी ये ज्यादा कनेक्टेड है सोसाइटी से, एवरीवन कैन रिलेट टू इट, इस वजह से यस। और वो पोएट्री से जुड़ा हुआ डेफिनेटली है। और हम इंडिया की बात करते हैं, अगर हम देसी हिप हॉप से रिप्रेजेंट करते हैं इस चीज को, हम देसी की जब बात करते हैं तो देसी टच उसमें आना जरूरी है। तो हमारी हिंदी वोकैब, हमारी हिंदी बातें बेसिकली जो हम लोग आपस में बातें करते हैं, वो बातें उनमें जुड़ना बहुत जरूरी होती है। इसलिए पोएट्री और रिदम को जोड़ के एक देसी टच ला के जो हम करते हैं वो एक देसी हिप हॉप बेसिकली। इसकी शुरुआत आपकी कैसे हुई और वहां तक उस मंच तक आप कैसे पहुंचे? सर मेरे साथ कुंवर भाई हैं, जो कि बहुत हमारे से बहुत पहले से म्यूजिक कर रहे हैं हिमाचल में। मुझे भी उनसे वापस घर जाता था तो इनका बैंड होता था, उनका एक जैम रूम था, मेरे को ऊपर से आवाजें आती थी कुछ, मेरे को ये नहीं पता कि ऊपर म्यूजिक चल रहा है, कोई डांस कर रहा है, क्या हो रहा है, बस आवाजें आती थी और मैं वहां बैठ जाता था सुनने के लिए कि कुछ तो हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है। तो अपने यहाँ पे सीन में पहले से म्यूजिशियन बहुत अच्छे आर्टिस्ट रहे हैं, तो उस टाइम से मैं इंस्पायर हुआ हूँ कि मुझे भी कुछ ऐसा करना है, मैं भी कुछ करना चाहता हूँ। तो धीरे धीरे म्यूजिक में वहां से स्टार्ट किया, अराउंड 2010-11 की बात है, क्योंकि उस टाइम स्कूल में था, तो उस टाइम स्टार्ट किया। और जब धीरे धीरे लोगों ने अप्रिशिएट करना स्टार्ट की चीज, तो समझ आया कि हाँ, कि कुछ तो है, कुछ तो कर सकते हैं। और एक चीज हमेशा मेरे को अपने सीनियर आर्टिस्ट ने ही यहीं पे सोलन के ही बोली थी कि एक आर्टिस्ट तब तक ग्रो करता है जब तक वो सीखता है, जिस दिन आर्टिस्ट ने सीखना छोड़ दिया उसकी ग्रोथ रुक जाती है। उस चीज को मैं आज तक फॉलो करता हूँ। तो वो ये कि हमने कोशिश करी कि हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की, और बहुत जगह ट्राई भी किया, चाहे वो रियलिटी शोज हो, चाहे वो कहीं किसी कॉलेजेस में, पंजाब में, चंडीगढ़ में, कहीं भी हो रहे हैं कुछ कॉम्पिटिशन है, कुछ भी है, बहुत जगह अलग अलग जगह कोशिशें करी है। फाइनली एक मौका मिला था MTV असल, उससे पहले भी एक दो रियलिटी शोज में मैं गया हूँ, बट इतना आगे तक नहीं कर पाया। फाइनली इसका मौका मिला और मेरे सब कुछ अलाइन था यहाँ तक जाने के लिए, और वो चीज़ हुई, यहाँ तक पहुँचा बहुत अच्छे से।
उनके साथ काम करने का मौका मिला है। सो आई एम ब्लेस्ड, और ब्लेस्ड आई एम थैंकफुल सबसे पहले उन सभी के लिए जो मेरे से पहले हिमाचल में जिन्होंने म्यूजिक स्टार्ट किया और ये आर्ट फॉर्म को कंटिन्यू रखा है। कुछ और कहना चाहो जो पब्लिक को मैसेज करना चाहो आप, जो आपने हिमाचल के लोगों को और कुछ कहना चाहो आप कह सकते? मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ कि लाइक आई सेड कि हिमाचल में आर्टिस्ट और जिंदगी मेरे लिए सबसे बड़ी आर्ट है ना, तो आर्टिस्ट का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि से कोई म्यूजिक कर रहा है या कोई डांस कर रहा है, आज आर्टिस्ट एज जनरल जो भी है, हिमाचल में आर्टिस्ट बहुत अच्छे अच्छे हैं, बहुत टैलेंटेड, बहुत अच्छे लेवल के आर्टिस्ट हैं। और जब हम बाहर जाते हैं चीज़ हम इस लेवल के आर्टिस्ट हिमाचल में हमारे हैं, लेकिन हिमाचल में क्योंकि बोल सकते हैं वो रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं है जितने आपको बाहर मिलते हैं, दैट्स वाई लोग मूव कर जाते हैं दिल्ली में, मुंबई में मूव कर जाते हैं, है ना। मैं सिर्फ लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि कोई भी अच्छा आर्टिस्ट है पसंद है उसको सपोर्ट करो जितना ज्यादा हो सकता है, जितना ज्यादा हो सकता है। हम लोग, हमारा छोटा सा क्रू है, हम आपस में काम करते हैं, बट मैं आपको एक्चुअल बता रहा हूँ, मैं मुंबई जब गया था सिर्फ 3-4 लोग हैं जो साथ में मिलकर काम करते, तो उन लोगों ने नॉट जस्ट उनका काम देखा था, मतलब हम लोगों को अप्रिशिएट किया अलग से कि तुम्हारा जो क्रू है वो ऐसी वीडियो बना रहे हैं। तो मैं वो चाहता हूँ कि हिमाचल में जो भी है आर्टिस्ट अच्छा काम करे उनको प्लीज सपोर्ट करो, फेवरेट है, ताकि हम लोग आगे जाए और एक कम्युनिटी बिल्ड हो सके, अच्छा हम वहां तक ले जाए। तो ये दर्द कहाँ से आया है, क्या समाचार पत्र पढ़ते हो या सोसाइटी में, अभी उम्र आपकी बहुत छोटी है, या ऑब्जर्व करते हो, ऐसे किस सर्कल के अंदर रहते हो जो ये आपको दर्दों का पता चल रहा था कि ऐसा भी होता है और वो सच्चाई है कि ऐसा होता है? बिल्कुल, क्या बोलोगे? सर मेरे लिए ऑब्जर्वेशन इज द की, ऑब्जर्व करना ही सबसे बड़ी चीज है, क्योंकि मेरे लिए आर्ट फॉर्म क्या है, रैप इज मेरे लिए इट्स लाइक मैं एक 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 शीशा, एक मिरर होल्ड करके खड़ा हूँ जिसमें सोसाइटी की इमेज आ रही है और मैं उसी को रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ अपनी आर्ट से। बट जब मैं अपनी रिफ्लेक्ट कर एक ही चीज रिफ्लेक्ट करूँ, अगर मैं उस मिरर को थोड़ा सा टिल्ट करूंगा सोसाइटी में हो रही है ना, वो अच्छी भी हो सकती है, बुरी हो सकती है, मजाक हो सकता है, हंसी मजाक हो सकता है, कुछ बहुत डार्क हो सकता है, तो वही चीज है मेरे लिए। मेरे लिए यही चीज़ है कि मैं सोसाइटी में जो चीज़ मैं देख रहा हूँ, ऑब्जर्व कर रहा हूँ, उस चीज़ को लोगों तक पहुँचा सकूँ। जो मैंने बोला कि अनकही अनसुनी बातें, कहानियाँ जो नहीं पहुँच पाती, जिनको लोगों के बीच बोल सकते हैं आप, आवाज़ नहीं उठा सकते जिन चीज़ों के बारे में, वो फन भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि बहुत डार्क हो, वो चीज़ बस मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ, बस वो मिरर है मेरे हाथ में ये आर्ट फॉर्म जो है, और मैं वो लोगों तक ही पहुँचा रहा हूँ। अच्छा, जो आप ब्लैक एंड वाइट की तरह दिखा रहे हो, आईना दिखा रहे हो, हाँ जी, उससे तो सभी चलो सहमत है कि पर वही मैंने एक बार दोबारा से पूछ रहा हूँ कि ये जो आप देख रहे हो ये चीज कहाँ से तुम्हारे अंदर आई, ये पूछना है मेरा। जी सर, ये देखो सर, मैं एक आर्टिस्ट था, इमॉर्टल टेक्निक एक आर्टिस्ट था, बहुत तो रैपर था। जब मैंने इमॉर्टल टेक्निक के गाने सुने, वो मतलब हमेशा हम म्यूजिक को देखते थे ना एज अ कि म्यूजिक बज रहा है, हम डांस कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है वहीं तक खत्म। इमॉर्टल टेक्निक के मैंने गाने सुने तो वो सोसाइटी के बारे में बात करता था, उन चीज़ों के बारे में जो नहीं बोली जाती और बहुत ओपनली, तो मेरे लिए वो ऐसा नहीं था कि मैं सिर्फ ऐसा सुन के इंस्पायर हो गया कि वाह भाई क्या अच्छी बात कर रहे हैं, बट मेरे लिए ये था कि कितनी अलग चीज़ है कुछ ऐसी दुनिया में कि आप बोल पा रहे हो एक म्यूजिक के थ्रू, है ना। तो ये वही चीज़ मेरे लिए होता है कि सोसाइटी में चीज़ें मैं देखता हूँ, तो मेरे लिए एक ये एक टूल है कि मैं वो बातें आगे पहुँचाता हूँ, वो दर्द है चाहे वो दूसरे का दर्द है, ऑब्जर्व करता हूँ। और बहुत चीज़ें होती है, मतलब हम कोई दूसरे के साथ हो रही वो नहीं बोल पाता और मुझे लगता है कि मुझे बोलना चाहिए, तो क्यों ना बोलूं अगर मेरे पास ये टूल है। बस वही है कि इसीलिए मैं ये चीज़ें आगे